इधर नोएडा में भी पुलिस भर्ती के लिए सेंटर्स बनाए गए हैं। कुल 18 सेंटर्स पर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है। नोएडा में मुन्ना भाइयों से निपटने के लिए हाईटेक तैयारी की गई है। एग्जाम सेंटर्स की सीसीटीवी से निगरानी हो रही है, तो डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी भी ग्राउंड पर ही हैं। खास बात यह है कि इस बार 2 घंटे पहले ही छात्रों को एग्जाम सेंटर्स पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया और इसलिए सुबह 8 बजे से ही छात्रों को एग्जाम सेंटर पर पहुंचना था। ठीक उसी तरह सेकंड पाली जो कि दोपहर 3 बजे से शुरू होगी, इसलिए अभ्यर्थियों को दोपहर 1 बजे सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा के संदर्भ में 18 सेंटर हमारे यहाँ पे हैं, जिन्हें सभी सेंटर्स पे जो ऑफिसर्स है वो लगाए गए हैं। हम लोग सुबह से ही भ्रमणशील हैं, 8 बजे से एंट्री है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि चेकिंग फ्रिस्किंग प्रॉपर हो। सारे बच्चों को ब्रीफ किया जा रहा है कि क्या उनको ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। साथ ही साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए डीसीपी ट्रैफिक उनकी टीम लगाई गई है, सिक्योरिटी के लिए भी पर्याप्त टीमें लगाई गई हैं, तो जो एग्ज़ाम है उसे कुशल रूप से संपन्न करवाया जाएगा।